नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्रीजी चैनल की रोजगार सीरीज में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिसकी मार्केट में ज़बरदस्त डिमांड है और आने वाले दिनों में जिसकी डिमांड लगातार बढ़ ही रही है। दोस्तों ये बिजनेस है पानीपुरी मेकिंग का बिजनेस। दोस्तों मैं उसी पानीपुरी की बात कर रहा हूँ जिसको अलग अलग जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे पड़ाके, गोलगप्पे, पानी की टिकिया, फुल्की, पानी के बतासे और भी कई अन्य नामों से इसको पुकारा जाता है। दरअसल पानीपुरी की डिमांड मार्केट में इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि पानीपुरी सेलिंग और पानीपुरी मेकिंग दो अलग अलग बिजनेस बनते जा रहे हैं। यहाँ से निकल कर आता है हमारे बिजनेस का आइडिया कि हम किस तरह पानीपुरी मेकिंग के बिजनेस की इस अपॉर्चुनिटी को भुना सकते हैं। दोस्तों दरअसल पहले से पानीपुरी का बिजनेस बहुत छोटे स्तर पर होता चला आ रहा है, जिसमें पानीपुरी बेचने वाला ही पानीपुरी बनाकर तैयार करता था, जिसमें उसको मेहनत भी बहुत ज़्यादा आती थी, उसकी लागत भी बहुत ज़्यादा आती थी, उसका खर्चा बहुत ज़्यादा होता था और पानीपुरी बेचने वाला पानीपुरी उसी पुराने ट्रेडिशनल तरीके से हाथ से बहुत ज़्यादा समय खर्च करके, बहुत ज़्यादा मेहनत करके उसको बनाता था और थोड़ी सी मिस्टेक होने पर भी पानीपुरी ख़राब होने पर उसका नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता था। इसके अलावा इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी वो व्यक्ति एक दिन में मुश्किल से 1000 या 2000 पानीपुरी ही बना पाता था। मगर अब मार्केट में पानीपुरी बनाने के लिए ऐसी नई हाईटेक मशीन्स आ गई हैं जिन्होंने पानीपुरी के बिजनेस में नई संभावनाओं को खोल दिया है। कोई भी व्यक्ति नए हाईटेक तरीके से अपने घर से ही इस बिजनेस को करके डेली की 10,000 से लेकर 40,000-50,000 तक पानीपुरी बना सकता है, वो भी मात्र एक या दो लेबर की हेल्प से, और महीने की लाखों रुपए की इनकम जनरेट कर सकता है। और रही बात सेल की, तो आज हम सेल के ऐसे तरीके जानेंगे जिससे कि माल तो पूरा बिक ही जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पानीपुरी मेकिंग का बिजनेस किस तरह होता है, इस बिजनेस को करने के लिए किस किस मशीन की ज़रूरत होती है, मशीन्स के प्राइस क्या क्या हैं, उसके अलावा जब हमारी पानीपुरी रेडी हो जाएगी तो उसको सेल किस तरह से किया जाएगा, और सबसे एंड में सबसे ज़रूरी चीज़ कि इस बिजनेस को करने से हमारा फ़ायदा कितना होगा। तो दोस्तों पानीपुरी मेकिंग के बिजनेस की पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मशीन्स के द्वारा पानीपुरी बनाई किस तरह से जाती हैं। पानीपुरी बनाने के लिए आटा, सूजी, नमक, पानी को एक निश्चित अनुपात में आटा गूंदने वाली मशीन में डाला जाता है और ये मशीन 10 मिनट में बढ़िया आटा गूंदकर तैयार कर देती है। अब तैयार आटे को प्रेशर मशीन की मदद से आटे की मोटी सीट बना ली जाती है या फिर इसे हाथ से भी बनाया जा सकता है। इसके बाद इस तैयार आटे की सीट को पानीपुरी मेकिंग मशीन में लगा दिया जाता है, जहाँ इसकी सीट पतली बिलकर इसमें लगे गोल कटर की हेल्प से कटती जाती है। अब इन कटी हुई पानीपुरी को कपड़े की लेयर्स पर कुछ देर के लिए रेस्ट करने के बाद तल लिया जाता है। अब हमारी क्रिस्पी पानीपुरी बनकर तैयार है। इन तैयार पानीपुरी को गिनती के हिसाब से 50, 100, 200, 500 या फिर 1000 पानीपुरी के पैकेट तैयार कर दिए जाते हैं। अब हमारी पानीपुरी बिकने के लिए तैयार है। दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि पानीपुरी मेकिंग मशीन कहां से और किस प्राइस पर मिलेगी। तो दोस्तों पानीपुरी में यूज़ होने वाली मशीन को देखने के लिए हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप पर। पानीपुरी बनाने के लिए जिस पहली मशीन की ज़रूरत होती है वो होती है डो मिक्सिंग मशीन। डो मिक्सिंग मशीन अपनी वर्किंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग प्राइस रेंज में आती है। जैसा कि हम देख रहे हैं ये मशीन है यहाँ 16,500 रुपये की आ रही है। ये मात्र 220 वोल्ट से 240 वोल्ट में चलती है। ये दूसरी मशीन है, इसकी कैपेसिटी 10 से लेके 25 किलो आटा एक बार में गूंदने की है। ये थोड़ी कॉस्टली है, ये 28,500 रुपये की मशीन है और ये थोड़ी पावरफुल मशीन है। इसके अलावा हम और मशीन देख लेते हैं। ये मशीन 48,500 रुपये की है और ये एक बार में 5 किलो से लेकर 50 किलो डो तक रेडी कर सकती है। तो इन मशीन की जैसी वर्किंग एफिशिएंसी है वैसे ही इनके प्राइस हैं। इसके अलावा हमें पानीपुरी मेकिंग मशीन की जरूरत पड़ती है, वो ये मशीन हम देख लेते हैं। ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, इसकी कैपेसिटी 50 से लेकर 100 किलो डो हर घंटे प्रोसेस करने की है। इसकी कीमत 38,000 रुपये है। हम आगे और मशीन देख लेते हैं। जैसे ये फुली ऑटोमेटिक पानीपुरी मेकिंग मशीन है, ये मात्र 35,000 की आ रही है और ये 50 किलो डो पर आवर प्रोसेस कर सकती है। और मशीन देख लेते हैं हम।
ये पानीपुरी गोलगप्पा मेकिंग मशीन ये 40,000 रुपए की आ रही है। ये 8,000 पानीपुरी के पीसेस पर घंटे तैयार कर सकती है। सिंगल फेज से चलने वाली मशीन है, छोटे साइज की मशीन है। यहाँ पर डीलर का कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप डीलर से कॉन्टेक्ट करके मशीन के और ज़्यादा स्पेसिफिकेशन पता कर सकते हैं। हम दूसरी मशीन देख लेते हैं, ये ऑटोमेटिक पानीपुरी मेकिंग मशीन है, मात्र 35,000 रुपए की ये मशीन है। 2,000 से लेकर 20,000 पीसेस पर घंटे बना सकती है। इसके अलावा ये नीरव कंपनी की मशीन है, ये थोड़ी कॉस्टली है, 80,000 रुपए की मशीन है। इसकी वर्किंग कैपेसिटी 3,500 से लेकर 21,000 पीसेस पर घंटे बनाने की है। इसके अलावा हम दूसरी मशीन देख लेते हैं, ये जैक्सन गोलगप्पा मेकिंग मशीन है, ये 95,000 रुपीस की है, 0.5 HP से चलती है। इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 1500 से लेकर 7,000 पीसेस पर घंटे बनाने की है। ये डीलर का कॉन्टेक्ट नंबर है। इन सारी मशीन्स के लिंक्स हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रखे हैं, आप वहां से पर्टिकुलर लिंक पर जाकर मशीन्स के और ज़्यादा डिटेल पता कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी पानीपुरी सेकने के लिए कढ़ाई की, आप चाहें तो सादा कढ़ाई का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर आप बड़े पैमाने पर कोई काम कर रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिक कढ़ाई लें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर भी आपका फिक्स रहता है, ओवर हीटिंग भी नहीं होती और काम करने वाले को भी बहुत आसानी रहती है। ये कढ़ाई आपकी 14,800 रुपये की है। दूसरी कढ़ाई हम आपको दिखा देते हैं, दूसरी कढ़ाई ये है। इसमें बहुत सारी रेंज है, 6 लीटर से लेकर 120 लीटर। आपको जिस तरह की कढ़ाई चाहिए हो, आप यहाँ पर डीलर का कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉल करके वहाँ विजिट करके आप पता कर सकते हैं कि आपकी वर्किंग के अकॉर्डिंग कौन सी कढ़ाई सही रहेगी और आप वहाँ से रेट भी टैकल कर सकते हैं। उसके अलावा आटा, मैदा, सूजी, नमक, रिफाइंड ऑयल, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो चीज़ें आपको अपने लोकल मार्केट से बहुत आसानी से मिल ही जाएंगी। पानीपुरी मेकिंग के बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले अपने आसपास के मार्केट का सर्वे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट के सर्वे से ही हमें पता चलेगा कि हमारे आसपास पानीपुरी की डिमांड कितनी ज़्यादा है। डिमांड के अकॉर्डिंग ही मशीन लगाई जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनके रेट में भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। तो जिस तरह का आपके यहाँ प्रोडक्शन निकले आपको उसी के अकॉर्डिंग अपनी मशीन लगानी चाहिए। पानीपुरी मेकिंग के बिजनेस को आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, चाहे तो अपने घर से भी। बस इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जहाँ से भी आप इस बिजनेस को कर रहे हैं वो शहर से ज़्यादा दूर ना हो, ताकि आपका तैयार माल आपका ग्राहक आसानी से ले जा सके और आपका सारा तैयार माल बहुत ही आसानी से सेल हो जाए। आपको मार्केट में अपनी अच्छी पकड़ बनाने के लिए अपनी क्वालिटी पर विशेष ध्यान देना होगा। आप जो भी रॉ मटेरियल यूज़ करें सब अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें, जैसे आटा, सूजी, मैदा, रिफाइंड, जो भी रॉ मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं वो क्वालिटी के हिसाब से अच्छा ही होना चाहिए, ताकि आपका अच्छा प्रोडक्ट बनकर तैयार हो सके। इसके अलावा आपको इस बिजनेस को करने के लिए हाइजीन का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ जितनी साफ़ सफाई से आपका प्रोडक्ट रेडी होगा उसकी क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी और उसकी सेल की संभावनाएँ उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इन मशीन्स का ये सारा सेटअप लगाकर आप पानी पूरी के साथ साथ ही कुछ चीज़ें और भी बना सकते हैं, जैसे कि कई तरह की मठरी, मट्ठी, पापड़ी और भी कई चीज़ें। इनको बनाकर आपकी सेल कुछ और भी बढ़ जाएगी। शुरुआत में आपको अपने बिजनेस को रनिंग पर लाने के लिए उन सारी जगह संपर्क करना पड़ेगा जहां पर पानीपुरी की डिमांड होती है, जैसे चाट वाले, हलवाई, गोलगप्पे की रेडी वाले। इसके अलावा तमाम मैरिज होम्स जहां पे कुछ ना कुछ फंक्शन चलते रहते हैं, वहां से भी आपकी सेल बहुत अच्छी निकल सकती है। अपने प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा सेल करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप अपने यहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में अपने प्रोडक्ट के कुछ पैम्पलेट छपवा कर रखवा दीजिए, ताकि आपका जो लोकल एरिया है, आपके जो लोकल घरेलू कस्टमर हैं वो आपके पास आकर पानीपुरी खरीद सकें। उनको देने के लिए आप पानीपुरी के छोटे पैकेट तैयार कर सकते हैं, जैसे 20 का, 50 का, 100 का, आप इतना छोटे पैकेट तैयार कीजिए। इन पैकेट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी और आपकी सेल कई गुना बढ़ जाएगी। आजकल बहुत सारे लोग घर पर ही पानीपुरी खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके लिए आप एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी देंगे। अब बात कर लेते हैं बेनिफिट की, तो आपका मशीनों में तो एक बार पैसा लगेगा ही लगेगा, उसके अलावा आप जितने भी रुपए का रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे उसका लगभग जस्ट डबल आपको बेनिफिट होगा। आप सारा रॉ मटेरियल, लेबर, बिजली, पानी, अपनी जगह का रेंट, सारा खर्चा निकालने के बाद डेली के 5 से 6 हज़ार रुपये आसानी से बचा सकते हैं और महीने की 1 से 1.5 लाख रुपये की इनकम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह के नए और क्रिएटिव बिजनेस आइडियाज़ को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे श्रीजी चैनल की रोजगार सीरीज के साथ। फिर मिलते हैं किसी नए क्रिएटिव बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।